वाकई बताए फांसी की भी सजा अगर दे दी जाए ना लीक वालों को, मंजूर है? ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय होता ही है। पेन से क्वेश्चंस लिखे थे और कुछ क्वेश्चंस तो सीधे सीधे दिख रहे थे वहाँ पे। मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा अगर मैं तैयारी करूँ फिर सब वही सब हो। कभी कभी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसा तो नहीं सब अंबानी के घर से ही आए होंगे। गांव में ऐसे बहुत बहुत कम ही लोग हैं जो अपने बच्चों को दूर भेजते हैं, नहीं तो कोई नहीं भेजता। शिकायत करे भी तो करे किससे, ये सरकार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है, आप ललन टॉप देख रहे हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में आए हुए हैं। कल यहाँ आयोग के बाहर, यूपी जो लोक सेवा आयोग है उसके बाहर आरओ एआरओ की जो भर्ती के छात्र थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो कई छात्रों का ये कहना था कि उनका 17 तारीख को पीसीएस का एग्ज़ाम भी है, जो कि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर आयोग आरओ एआरओ की में कोई डिसीजन नहीं लेता है तो पीसीएस के एग्ज़ाम में भी दिक्कत आ सकती है, उनको ऐसा डर था। तो इस वक्त मैं प्रयागराज में ही एक कोचिंग में मौजूद हूँ, इसका नाम है सागर एकेडमी। यहाँ पे आप मेरे आसपास कई छात्र देख पा रहे होंगे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और कईयों ने आरओ एआरओ भी दिया है और कई इसमें ऐसे हैं जो कल वहाँ आंदोलन में मौजूद थे और आज यहाँ अपनी क्लास करने के लिए मौजूद हैं। तो उनसे बात करेंगे कि मतलब तैयारी क्या कैसे करते हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अगर आयोग कोई डिसीजन नहीं लेता है, 17 को पेपर है, हाँ, तो उस पर बात करते हैं और उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? शिवम श्रीवास्तव। आपने आरओ एआरओ दिया था जी? नहीं, बैठे रहो। कल वहाँ मौजूद थे आप? जी गए थे, मतलब 5-10 मिनट के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं गए थे। अच्छा, क्या हुआ वहाँ कल? भीड़ लगी थी काफ़ी, मतलब हजारों की संख्या में छात्र वहाँ उपस्थित थे। गेट नंबर 6 से सबका निकलने का प्लान था। अच्छा। तो सारे गेट घेरे गए थे वहाँ पे। हाँ। अंदर जो अधिकारी थे उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो तैयारी का डर है, एग्जाम है अगला 17 को? अभी तो हम बेगिनर्स हैं, हमको उतना डर तो नहीं है। हाँ। लेकिन है तैयारी। पहली बार देने जा रहे हो ऐसा कुछ? जी जी, पीसीएस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, आरओ भी फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार। अच्छा, तो तैयारी कैसी है? तैयारी अभी बेगिनर्स है, अभी स्टार्टिंग है सिर्फ। अच्छा। उतनी प्रॉपर वे में नहीं है। अच्छा ठीक है। एक सवाल आपसे है कि जब मैं कल वहाँ मौजूद था तो कई छात्रों ने ऐसा बोला कि अगर आयोग कोई डिसीजन नहीं लेता है, हाँ, तो हमें ये डर है कि जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें भी ऐसा ही होगा, पेपर कैंसिल होगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि कोई भी विद्यार्थी अपने पिछले कुछ दशक से कर तैयारी कर रहा होता है। हाँ। उसकी मेहनत होती है और अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय होता ही है। हाँ। कोई भी छात्र जो अपने अपनी एक उम्र के अच्छे समय में अपना संपूर्ण योगदान देता है अपनी शिक्षा के लिए और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है, और जब ऐसी चीज़ें या ऐसी खबरें आती हैं तो वो अपने उद्देश्य से भ्रमित होने की स्थिति में आ जाता है। अच्छा। उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिखता है, तो निश्चित रूप से सरकार को इसके लिए कुछ ऐसे वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए जिसपे इसमें रोक लगाया जा सके। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवम तिवारी है। आपने भी आरओ एआरओ दिया? जी, मैंने आरओ एआरओ तो नहीं दिया था। हाँ। लेकिन सिपाही भर्ती का जो परीक्षा था वो दिया था, कांस्टेबल वाला। अच्छा, कांस्टेबल दिया था, तो कांस्टेबल भर्ती में भी ऐसे आरोप लग रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है जी, तो मतलब आप क्या कहते हो उस पर? जी, कांस्टेबल भर्ती में भी जो है पेपर लीक के आरोप लगे हैं। हाँ। उसमें भी जो टेलीग्राम ऐप होता है। हाँ। पेपर शुरू होने से पहले लगभग 10 से 12 घंटे पूर्व ही वहाँ पर हमको पेपर की जो क्वेश्चन पेपर है उसकी छवि दिख रही थी। पेन से क्वेश्चंस लिखे थे और कुछ क्वेश्चंस तो सीधे सीधे दिख रहे थे वहाँ पे जो वहाँ पे आए थे, तो बिल्कुल उसमें पेपर लीक हुआ है। छात्रों को काफ़ी आक्रोश थे उस पर भी। और जो ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आयोग ही पीसीएस की परीक्षा भी कराता है तो हमें ये डर है कि उसमें भी ऐसा ही होगा, उस पर? जी, अब इसके संदर्भ में तो मैं कुछ अभी नहीं कह सकता कि पता नहीं, शायद हो भी ना भी हो, लेकिन फिर भी जहाँ तक है डर तो बना है छात्रों के मन में, डर का भाव तो है कि हो सकता है इसमें भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया हो जाए, कुछ भी हो जाए तो इस... अच्छा, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ, आपने आरओ एआरओ दिया था तो पेपर लीक होने की खबर आ रही है, ठीक है, और अभी पीसीएस की परीक्षा भी है, तो फिर कैसे तैयारी चल रही है? तैयारी मतलब अच्छी नहीं हो पा रही है क्योंकि एक डर सा है कि पेपर बार बार लीक हो रहे हैं और ये मतलब हम लोगों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो पूरी तरह से मेहनत कर रहा है और जो नहीं मेहनत कर रहा है सब बराबर है। तो मतलब मेरा कहना यही है कि हम लोगों में बहुत असमंजस की भावना इस समय मतलब व्याप्त है, समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन है। बार बार पेपर लीक होने की खबर से जैसे मतलब तैयारी अच्छी थी मेरी पीसीएस की भी, लेकिन बीच में इस समय मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा अगर मैं तैयारी करूँ फिर सब वही सब हो,
तो मेरा कहना यही है कि मतलब सरकार को यही चाहिए कि जो भी परीक्षा कराए एकदम सुचितापूर्ण कराए, और मेरा भी मानना है कि री एग्जाम जरूर होना चाहिए। अच्छा, आप बहुत उदास दिख रही हैं, क्या हुआ आपको? सर अच्छा, आप भी पीसीएस की तैयारी करो या आरओ? आरओ पीसीएस की तैयारी कर रही हूं, अभी एज भी नहीं हुई और एलिजिबल भी नहीं हूं। अच्छा, तो पहले से तैयारी, कैसी तैयारी चल रही है अभी? तो सही चली, भी तो स्टार्टिंग ही है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे कोई भी तैयारी करने आता, जैसे आप आए हो, हां, तो एक छात्र के मन में एक बेसिक सवाल होता है कि क्या पढ़ाई करें, तो क्या क्या पढ़ना होता है? सर पहले तो सिलेबस देखें, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना बेस जो होता है वो मेंटेन करें। फर्स्ट ऑफ आप एनसीईआरटी ले सकते हैं, उसको तैयार करें, उसके बाद और सारी बुक्स आती हैं, और प्रीवियस ईयर देखें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आप देख के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। और एक और सवाल है मेरा, सबसे सवाल है कि जैसे आरओ आरओ आपने दिया है ना, तो तैयारी करने जाने से पहले, अब जैसे मुझे पता है कि सिपाही क्या करते हैं, आरओ आरओ क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, तो अगर इसके बारे में थोड़ा जानकारी हो तो आपको? तो बहुत तो नहीं पता है, लेकिन मेरा मतलब मेन टारगेट जो है वो यूपीएससी और पीसीएस को है, लेकिन बीच में मैंने दिया था, तो इतना पता है कि जो जैसे मतलब वो एक सचिवालय में बैठते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और प्रशासनिक कार्य से जो मतलब संबंधित फाइलें होती हैं उन्हीं का वो मतलब लेखांकन और देखते हैं, बस मुझे इतना पता है। आप क्या कुछ बोल रही थी आप? हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ जैसे सचिवालय में जैसे जो पेपर आरओ का देते हैं, जिसका अच्छा नंबर आता है वो सचिवालय में रहता है, और जिसका कम अच्छा आता है तो वो लोग सेवा आयोग में जाता है, पर काम जो है अच्छी मतलब थोड़ा जैसे आरओ की तैयारी वगैरह है, अगर जो अच्छा करे, ऐसा नहीं है कि सब अगर हैंडल करे तो हैंडल का हो जाएगा, तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि मतलब उस लेवल से तैयारी करे, पढ़ाई करे, सबसे हट के रहना पड़ता है। और जो आरओ है बहुत अच्छी नौकरी है, और जैसे जो अच्छा अंक पाता, मैं पहले बता चूँ, उसका सचिवालय में होता है, नहीं तो लोक सेवा आयोग में होता है। और आरओ सरकार से यही है कि फिलहाल अभी जितने भी पेपर दे रही है, जितने ले रही है, उसमें मतलब एक तो पोस्टेड बहुत कम रहती है, तो सबको पता है, और मतलब जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जैसे कि पेपर ऊपर हाई लेवल को हो गया है, हर एक चीज़ भी हो गया है, अभी जो यूपीपी का भी आया हाल ही में, उसमें भी देखो लीक हो गया, तो इससे क्या होता है कि हम लोग बच्चों का मनोबल बहुत कम हो जाता है कितना पढ़े, क्योंकि एक बार मेहनत जो लगाओ बार बार वो चीज़ लगाने, कभी कभी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, तो कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमें सरकार से यही निवेदन है कि जो भी पेपर कराए कोई भी ए टू जेड सब अच्छे से कराए, ताकि हम लोग जो भी हैं गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी स्टूडेंट। आपने बोला फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली से जब आप बात करते हो तो उनका रिएक्शन क्या होता है? सर रिएक्शन यही होता है कि अरे हम इतने बार जैसे कि अभी यूपीपी का पेपर वो हो गए लिखे हुए, इससे क्या, तो फैमिली कहते हैं कि हम इतना सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक बार किए हैं, ऐसा तो नहीं सब अंबानी के घर से ही आए होंगे, यही कहते हैं कि मतलब इतना पैसा वेस्ट गया और इतना टाइम भी वेस्ट गया, और हम लड़कियों के लिए फीमेल के लिए और दिक्कतें होती हैं, क्योंकि गांव में भी कई तरीके से हम लोगों को सुनने पड़ते हैं बाहर में, और इस तरीके से हम लोगों को घर बुला लाया जाता है, माइंड रिफ्रेशर किया, मतलब जो करना भी चाहते हैं तो पैसे की वजह से फिर कई सारे प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए सर मतलब हम यही कहेंगे सर से जो भी करे सरकार, हमें यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी करे अच्छा करे हम लोगों का, ताकि जिसका जो कम से कम मेहनत करे तैयारी के लिए उसका निकल तो जाए, क्योंकि उसकी वजह से आम जैसे कि और सब लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं। सर कहाँ से आते हो आप? सर हम यहीं से आते हैं, फाफा माउस आते हैं बैमनपुर से। अच्छा, जैसे आपने गाँव की बात करी, तो गाँव में ऐसा भी हो सकता है कि आपके आस पास आपके कई दोस्त तैयारी कर रहे होंगे, तो दोस्तों के बीच जो छात्र तैयारी कर रहे थे उनके बीच कैसी बातचीत होती है सब चीज़ों को लेकर? उनके बीच में जैसे कि दोस्तों के बीच में जो तैयारी करते हैं हम, उसके बीच में सबसे ज़्यादा तो ये रहता है कि जैसे कि ये होता है ना, अगर किसी का बाई चांस हो गया उसका लक अच्छा था और हमारा नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होता है ना कि सब फैमिली वगैरह जो भी है तो हाँ देखो उसका हो गया, तुम उसके साथ गए थे, उसके पास गए थे, तुम्हारा नहीं हुआ, इससे क्या होता है हम लोगों के बीच में निगेटिव आ जाती है, पहले दोस्त हो या कोई हो, मतलब फिलहाल तो गाँव के जल्दी कोई भेजता नहीं, गाँव में ऐसे बहुत बहुत कम ही लोग हैं जो अपने बच्चों को दूर भेजते हैं, नहीं तो कोई नहीं भेजता, सब ऐसे ही बस 10-12 BSc BA करके शादी कर लेते हैं, तो जो भेजते हैं तो उनमें जैसे कि ये आशा रहती है कि हाँ ये बच्चा हो जाएगा, अगर वो हो गया तो उसके जरिए कई सारे बच्चे आ जाते हैं,
अगर नहीं हुए तो फिर नहीं, संभावना ही नहीं रहती गांव में। अच्छा, एक चीज़ होती है जैसे क्या कहते हैं, लड़कियों में खासकर होता है, घर वालों को प्रेशर होता है, हाँ, और आप क्योंकि तैयारी कर रहे हो तो एक प्रेशर मनी का भी होता है ना, कि पैसा कहाँ से है, कैसे घर वाले देंगे, तो वो सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है? मनी का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तब हम मेंटली फ्री होकर अच्छे से पढ़ सकेंगे। अगर जब मतलब मनी का रहता है तो एक मेंटली प्रेशर रहता है कि कैसे हम क्या चीज़ हैंडल करें, तो मनी का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना है। और अगर ऐसी चीज़ें होती तो मेंटली क्या इफेक्ट होता है? मतलब अगर मनी नहीं है तो मतलब मेंटली प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे किस चीज़ को मैनेज करें, तो मुझे लगता है मेंटली सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या भाई, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विशाल कुमार है। हाँ। और मैं सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि सर आपने आया और युवाओं की जो आवाज़ें हैं, हाँ, उसके लिए आपने हमारी, क्योंकि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ माना जाता है, ये तो सर आपको सभी जानते हैं। तो सर अगर आज युवा, अगर सर, क्योंकि लोग कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है, अगर युवा आज अगर सड़क पर है तो वाकई सर ये जो पंक्तियाँ हैं ये गलत नहीं हैं कि लश्कर भी तुम्हारे हैं, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, शिकायत करे भी तो करे किससे, ये सरकार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। वाह, क्या बात है। कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? सर मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ, इस समय मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा। तो सर मैं जब ये देखता हूँ कि जब युवाओं के पेपर लिख, जैसे अभी देखिए इको गार्डन लखनऊ में, लखनऊ के क्या परिचर्चा हैं, जितने भी टीचर हैं वो अपने दाव लगा के रहा है कि यार अगर एक टीचर इतना मेहनत करता है कि मेरा लड़का सफल होगा, और उसकी अगर एक लड़का सफल होता है तो उसके पीछे होता है कि इस टीचर का बहुत बड़ा हाथ। टीचर देख रहे हैं कि पेपर लीक है, आपको पता भी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है। सब जानते हैं कि पेपर लीक है, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने नहीं आ रहा है। कमेटियाँ बैठी जा रही हैं, कमेटियाँ की रिपोर्ट आती जा रही हैं, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हो, क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और ये चीज़ देख रहा हूँ। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हो, या इको गार्डन यूपी पुलिस की बात हो, या लोक सेवा आयोग जो RO के पेपर लीक की बात हो, ये जितनी भी तमाम इसमें कार्यवाहियाँ हो रही हैं, इसको तत्काल रूप से होना चाहिए, ना कि आप किसी समिति कमेटी को बैठा करके और उसको आज कल करते करते, ये बहुत ही निंदनीय बात है। क्योंकि आने वाले भविष्य में जितने भी युवा हैं वो यही उम्मीद करते हैं कि एक सफल परीक्षा हो, और उसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे सीनियर हो, या चाहे जितने भी मंत्रिमंडल हो, चाहे जितने भी अधिकारी हो, उस पर कार्यवाही सख्त सख्त करें। थैंक यू सर। अच्छा, ये बात ये बताइए, अभी आप तैयारी कर रहे हो, अभी आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, ठीक है, आने वाले समय में दोगे, हाँ, तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि ये चीज़ें आगे आने वाले समय में ना हों और तब तक ठीक हों, ये कितना ज़रूरी हो जाता है? सर ये तो बेखूबी सब जानते हैं कि वाकई बहुत ही ज़रूरी है इसको कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि ये अभी हमारी जो सिस्टर लोग हैं इन्होंने भी बातें बताई कि एक फाइनेंशियली दिक्कत एक लड़की को कितना किया जाता है, वाकई हकीकत। और जो हम लोग एक्सक्लूसिव देखते हैं उसमें भी ये दिखता है कि यार लड़कियों का भी एक, आप हाल ही में देखे थे कि लड़कियों को 8 बजे के बाद कोचिंग बंद होना चाहिए, ये जो नियम आया था, लागू हुआ था, ये कहाँ तक सही है कि आप लड़कियों को फिर वही वाली प्रथा ला रहे हैं कि लड़कियाँ फिर नीचे दबती जाएंगी। अरे यार, समानता लाओ ना, विचार बदलो, कानून बदलने से थोड़ी होगा, संविधान कितना भी बढ़िया हो लेकिन अगर बाबा साहब कहे कि अगर उसको चलाने वाला अगर सही ना हो तो केवल दस्तावेज ही रूपी रह जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि इसको क्या किया जाए ना सर, अगर वाकई बताएं फांसी की भी सज़ा अगर दे दी जाए ना लीक वालों को, मंजूर है, क्यों ना खुद मैं भी उसमें संलग्न हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर वाला लीक पैसों के, चंद पैसों के कारण लड़कों का जो भविष्य खराब हो रहा है ना, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो ये सब कानून अवश्य आने चाहिए, दे दीजिए, कड़ाई होनी चाहिए, गुल मिला के बात ऐसी बात है, हाँ, एकदम कड़ाई देनी चाहिए। आपका क्या नाम है? अनीश यादव। कौन सी परीक्षा दे रहे हो आप? UPSC। UPSC की तैयारी कर रहे हो? अभी कौन सा दिया? अभी अटेम्प्ट नहीं दिया हमने, कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया। अच्छा, तो मैं अभी भाई सवाल मैंने पूछा था कि अगर आने वाले समय में जो आप दोगे परीक्षा और अभी ऐसी चीज़ें चलती हैं तो तैयारी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तैयारी पर तो मतलब कोई मतलब खास नहीं पड़ता है, पर हम मन में एक चिंता होती है कि ये ऐसा चीज़ ना हो जो पेपर लीक का मामला आता है, चाहे बिहार हो, UP हो, मध्य प्रदेश, हर जगह ये से मामला आता है, पर एक दिमाग में ये चीज़ होता है कि ना हो, पर अब मतलब ऐसे तो मतलब तैयारी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तैयारी तो जो हमारी चल रही है वो चलती रहेगी, पर ये थोड़ा सा लगता है कि भविष्य में मन में एक होती है मतलब चिंता कि ऐसा लीक का मामला ना हो, विद्यार्थी मतलब इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब मैं ये कह रहा था, अब जैसे आप बोल रहे हो पेपर लीक ना हो या ऐसी घटनाएं ना हो, चीज़ें ना हो,
कल को अब आपके पेरेंट्स भी सारी चीज़ें देख रहे होंगे, आप उनसे रोज़ बात करते होंगे, हाँ, तो वो क्या चीज़ कहते हैं आपको कि भाई आप तैयारी कर रहे हो, कल को भी ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, कैसे फ्यूचर सिक्योर रहेगा, उस पर वो कैसी बातचीत होती है घर वालों से? नहीं खैर, मतलब वैसा तो कोई मामला नहीं आता, तैयारी चलती रहती है। घर से बस मतलब थोड़ा सा आता है कि वो अब ये तो मतलब सरकार पे आ जाता है कि मतलब हमारी सरकार सही नहीं है, और मतलब अब घर वाले भी क्या कहेंगे जब हर राज्य में ये मामला चल रहा है, एक राज्य की बात हो तब तो घर वालों को टेंशन होती होगी ना, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसी पेपर की तैयारी कर रहा है, कल अगर ऐसा हो गया तो उसका फ्यूचर क्या होगा? नहीं तो वो तो मतलब चिंता हर माँ बाप को होता है कि मतलब ऐसा पेपर लिखना हो, इसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कई मतलब जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग पैसे दे के जॉब पा रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं तब हम लोग जॉब नहीं पा रहे हैं, तो मतलब वो तो मतलब चिंता होती ही है, वो चिंता तो होती ही है, पर ऐसा अभी तो खैर मतलब UPSC में वैसा कोई मामला नहीं चल रहा है तो उससे थोड़ा सा है ठीक है। हाँ, तो भाई ने बोला कि UPSC में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे UPSC कार्य करती है वैसे ही सभी राज्यों के जो आयोग हैं जो भी परीक्षा कराते हैं वो भी ऐसे कार्य करें, और आपने इनको सुना, इनकी बातों को समझा, आपका इस पर क्या कहना है आप कमेंट करके हमें बताइए। देखते रहिए लर्न टॉप, आपके लिए वीडियो शूट किया था मेरे साथी प्रशांत ने, धन्यवाद।